हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आप लोग की जो समान हिंदी की क्लासेस चल रही थी उसका पार्ट टू है। यदि आप लोग पार्ट वन नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल पे जाके दे सकते हैं। ऑलरेडी आप लोग एग्ज़ाम की एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, उस प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियो ऐड की जा रही हैं उनको एक बार आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही प्रश्न आप लोग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग को डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। इसका पीडीएफ आप लोग को बता दूँ, आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। टेलीग्राम की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं आप लोग को पता होना चाहिए। अंतस्थ व्यंजन जो है य, र, ल, व जो होते हैं ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। हिंदी व्याकरण के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियो में कवर किए जाएंगे, तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए, ठीक है, बिना बढ़ाए आप लोग पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण, हिंदी वर्णमाला में अ और अ क्या है? अ और अ क्या है, क्या है इसको अयोगवाह कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में और अ को अयोगवाह व्यंजन कहा जाता है या स्वर कहा जाता है, स्वर, ठीक है, आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण, ख क्या है? ख एक अघोष व्यंजन है, क्या है? सघोष और अघोष आप लोग को पता होना चाहिए कि कौन कौन से सघोष व्यंजन होते हैं, कौन कौन से अघोष व्यंजन होते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत बार पूछे तो उनकी संख्या भी पूछ जाती है, सघोष व्यंजन कितने होते हैं, अघोष व्यंजन कितने होते हैं, आप लोगों को ये पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है? थ जो है ये महाप्राण वर्ण है, ठीक है, आप लोग को एमसीक्यू क्वेश्चन टाइप में आएंगे, आप लोगों चुनने में आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण, निम्नलिखित में किस वर्ण का मूल उच्चारण हिंदी में प्रचलित नहीं है? ये हिंदी में जो री वर्ण है इसका उच्चारण जो है प्रचलित नहीं है, आप लोग ध्यान रखना है, एक वर्ण आप लोग याद रखना है, इसका उच्चारण जो है हिंदी में प्रचलित बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञ को वर्णमाला में माना जाता है? ज्ञ को वर्णमाला में क्या माना जाता है? संयुक्त व्यंजन माना जाता है। आप लोग ध्यान रखना, छ छत्री जो होता है, त्रिशूल होता है, ज्ञ होता है, ये सब संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। आप लोग ज्ञ क्वेश्चन में ज्ञ को पूछा गया है तो इसको आप लोग बोलेंगे संयुक्त व्यंजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अयोगवाह कहा जाता है? अयोगवाह को और क्या कहा जाता है? अयोगवाह को विसर्ग कहा जाता है। यदि आप लोग वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे तो दो वर्ण अभी वीडियो के स्टार्टिंग में दो वर्ण बताए थे जिसको अयोगवाह बोला जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए वो दो वर्ण कौन कौन से हैं, स्वर कौन कौन से हैं जो इसको अयोगवाह कहा जाता है, ठीक है, अयोगवाह को विसर्ग भी कहा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी बोली नहीं है, मगही जो है ये आप लोग की बिहारी में आती है, न कि पश्चिमी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाचन कौशल विधि नहीं है, विधेय आत्तात्मक पद्धति जो है ये वाचन जो है कौशल विधि नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जिन स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है अर्थात जिनके उच्चारण में स्वरों की आवश्यकता नहीं हो लेनी पड़ती उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें मूल स्वर कहा जाता है। आप लोग को ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं, तो आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जिन स्वर के उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें क्या कहते हैं? स्वर संधि स्वर कहा जाता है। क्या कहता है? संधि स्वर कहा जाता है। जो स्वर सजाती स्वरों के सहयोग से बने होते हैं उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। क्या कहता है? उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, जो स्वर विजाती स्वरों के मेल से बने होते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। क्या कहता है? संयुक्त स्वर कहा जाता है। निम्न में से निचाई शब्द क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक है निचाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है? नारी शब्द जो है एक संज्ञा है। चिड़िया का बहुवचन रूप आप लोग बताना है, एक वचन बहुवचन आप लोग आना चाहिए, स्त्रीलिंग पुरलिंग शब्द भी आप लोगों को आना चाहिए। चिड़िया का चिड़िया हो जाएगा, क्या होगा? चिड़िया का चिड़िया हो जाएगा बहुवचन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्वाला शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? देखो मैं बोला था स्त्रीलिंग पुलिंग आप लोगों को शब्द आना चाहिए, कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, कौन कौन से पुलिंग होते हैं। ग्वाला शब्द का स्त्रीलिंग ग्वालिन होगा, क्या होगा? ग्वालिन। से किस कारक का चिन्ह है? आप लोग को आठों कारक आना चाहिए। से किसका कारक है? अपादान कारक है। से जो है अपादान कारक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने भेद होते हैं?
पुरुषवाचक सर्वनाम में जो है ये तीन भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक से कौन सा विशेषण बनेगा? पुस्तक से पुस्तकी शब्द बनेगा। कौन सा? पुस्तक से कौन सा विशेषण बनेगा? ये बनेगा पुस्तकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुविधा की दृष्टि से हिंदी के शब्दों को उनके स्रोत या उद्गम के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? पांच भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? पांच भागों में बांटा गया है। संस्कृत के शब्द हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के ग्रहण किए गए हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तत्सम शब्द जो है शब्द कहा जाता है। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार बार पूछे जाते हैं। आप लोग को यह वीडियो कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।